एक्शन। हेलो, हाँ जी हाँ जी, जय माता दी बंसल साहब, जय माता दी। हाँ जी, मैं डिंपल की ग्रैनी बोल रही हूँ जी। अच्छा तो आपको हमारी डिंपल इतनी पसंद आ रही है, और राजेश चलो जी ठीक है जी, बड़ी खुशी हुई है सुन के। बाकी तो जी देखो, जोड़ियाँ तो ऊपर वाला बनाता है, हम लोग क्या कर सकते हैं जी। हाँ जी हाँ जी, मैं ना अपने बहू शिवानी से और बेटे रंजीत से ना बात करती हूँ, और फिर जो भी फैसला होगा फिर मैं कल फोन करके आपको बता दूंगी, ठीक है जी। अच्छा जी, जय माता दी। शिवानी, ओ मैं क्या पता रहता, सुन वो ऐसा है, ओए बंसल साहब का फोन आ गया है, उन्हें हमारी डिंपल पसंद आ गई है। और राजेश तो कह रहा था उनका बेटा कि अगर मैंने शादी करनी है तो डिंपल से करनी है, वरना सारी उम्र को आना बैठा रहना है। भाई हमारी डिंपल है ही इतनी सुंदर, लैक, पढ़ी लिखी है, काबिल है ना। डिंपल कॉलेज जाने से पहले ये बोल के गई है कि अगर बंसल साहब के घर से भी रिश्ता है उसे भी मना कर देना। आए रब्बा, ये कुड़ी आकर चाहती क्या है भाई, एक के बाद एक सारे रिश्ते मना किए जा रहे हैं। ना ना ठीक है, इंसान को जिंदगी में सपने लेने चाहिए, इसके भी बड़े सपने हैं, आसमान की ऊंचाइयां छूना चाहती है ना, इससे मुझे कोई इनकार नहीं है पुत्र। पर ये भी तो सोचो, कल को अगर इसके सपने ना पूरे हुए हैं तो फिर इतने अच्छे अच्छे रिश्ते हम कहां से लाएंगे, उम्र बीत गई तो कोई रिश्ता भी नहीं मिलना हमें, फिर क्या करेंगे। अरे रब्बा, पता नहीं ये लड़की चाहती क्या है। ठीक है, अगर लड़का थोड़ा इससे कम पढ़ा लिखा है और कापी किताबें स्टेशनरी के बिजनेस में लगा हुआ है तो कोई बात नहीं ना। वही रजौरी गार्डन में उनकी इतनी बड़ी कोठी है, 500 गज की कार है, और अकेला अकेला लड़का ऐश करेगी, रानी बन के रहेगी, राज की रोटी तो खाएगी दो वक्त। वही हमारे रंजीत का तो बिजनेस तुझे पता है 5 साल से ठप हुआ पड़ा है, घर में इतने हालात खराब हो गए हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा अब करे तो क्या करे। नहीं वैसे एक बात बता शिवानी, ठीक है हमारी डिंपल सुंदर है, टैलेंटेड है, पर जरूरी तो नहीं है ना कि बॉलीवुड में जाके उसको फिल्मों में और टेलीविजन के सीरियलों में काम मिल ही जाए और फिर दिल्ली छोड़ के बंबई में अकेली जाएगी। ना बिना मेरा दिल इस बात की गवाही नहीं देता। हाँ वो जमाना बड़ा खराब है। हाँ देख, मैं जा रही हूँ मंदिर, जब आ जाए ना डिंपल उसको कहना जरा गहराई से, गंभीरता से इस रिश्ते के बारे में सोचे और फैसला करे। ये बार बार इतने अच्छे इतने बढ़िया बढ़िया रिश्ते नहीं आते, और एक वक्त मौका हाथ से निकल जाए ना इंसान को, फिर पछताने के लिए भी वक्त नहीं मिलता। मैं जरा मंदिर जा रही हूँ, आए तो समझा देना। आहो